हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे अजीबोगरीब और खतरनाक दिखने वाले प्लांट्स के बारे में। इन प्लांट्स को ना आपने कभी देखा होगा ना इनके बारे में सुना होगा। ये अपनी खूबियों की वजह से बाकी सब प्लांट से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10 पर आता है ड्रैगन ब्लड ट्री। ड्रैगन ब्लड ट्री मशरूम के आकार का दिखने वाला एक अनोखा पेड़ है जो इंडियन महासागर के 4 आइलैंड पर पाया जाता है। ड्रैगन ट्री की बहुत ही घनी छाल और शाखाएं खून जैसे दिखने वाला लिक्विड छोड़ती है, जिसकी वजह से इसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। ये 32 फीट ऊंचाई तक पहुंच सकता है और ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पेड़ है। ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। इंसानों द्वारा इसकी कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। नंबर 9 पर आता है कैक्टस। कैक्टस बंजर जमीन में 40 फीट तक उगने वाला प्लांट है जो कैलिफोर्निया की पहाड़ी और एरिजोना और मेक्सिको के रेगिस्तानों में पाया जाता है। आपको पता है कैक्टस की कई प्रजातियां पाई जाती है जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ दवा बनाने बल्कि बहुत सारी खाने वाली चीजों में भी किया जाता है। नंबर 8 पर आता है बर्ड ऑफ पैराडाइस। बर्ड ऑफ पैराडाइस साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला बहुत खूबसूरत प्रजाति का एक दुर्लभ प्लांट है जो गर्म तापमान में फलता फूलता है। इसे क्रेन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट का नाम बर्ड ऑफ पैराडाइस नाम की खूबसूरत पक्षी के नाम पर इसकी समानताओं पर रखा गया है। नंबर 7 पर आता है घोस्ट ऑर्चिड। घोस्ट ऑर्चिड एक ऐसा मिस्टीरियस फ्लावर है जो 8 मिलियन ईयर से पहले से अर्थ पे पाया जाता है। ये फ्लावर फ्लोरिडा और बहामास में पाया जाता है। इस फ्लावर के कोई पत्ते नहीं होते और ये दुर्लभ फ्लावर है जो विलुप्त होने के करीब है। कहा जाता है पूरी दुनिया में सिर्फ 1500 घोस्ट ऑर्चिड मौजूद है जो अपनी आप में एक चिंता का विषय है। नंबर 6 पर आता है वॉलमी पाइन। वॉलमी पाइन के बारे में माना जाता है कि जुरासिक काल से इनका अस्तित्व था। वॉलमी पाइन को साल 1984 से पहले विलुप्त माना जाता था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिशन के तहत इसकी कटाई को रोकने के लिए इंसानों की पहुंच से इसे दूर रखा गया था। अब सिर्फ दुनिया में 100 या 200 ही वॉलमी पाइन के पेड़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के वैली मिनी पार्क में है। नंबर 5 पर आता है पिक्चर प्लांट। ये प्लांट दिखने में एक छोटे मटके जैसा होता है जिसके ऊपर एक होल होता है। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक होता है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ चले आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। इस प्लांट के अंदर की तरफ बहुत ज्यादा फिसलन होती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले जाते हैं और दोबारा बाहर नहीं आ पाते और इस प्लांट का भोजन बन जाते हैं। नंबर 4 पर आता है ब्लैक बेड फ्लावर। दुनिया में एक फूल ऐसा भी है जिसकी आकृति लोगों को डरा देती है। जी हाँ, हम ब्लैक बेड फ्लावर की बात कर रहे हैं। ये फूल दिखने में चमगादड़ जैसा होता है और इसका रंग भी गहरा बैंगनी होता है। इसका रंग वो आकार ऐसा है एक बार देखने वाला व्यक्ति इसे दूसरी बार पलट कर अवश्य देखता है। ये फूल हरे बैगनी भूरे लाल रंग में भी पाए जाते हैं। ब्लैक बेड नामक ये फूल साउथ एशिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बहुत ही असामान्य और असाधारण दिखने वाला फूल है जिसके चलते इसे डेविल फ्लावर यानी शैतान का फूल भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है रेफेलसिया अर्नोल्डी। इंडोनेशिया में एक आदमी को जंगल में ट्रैकिंग के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा फूल मिला। इस फूल का नाम रेफेलसिया है। पूरा खिलने के बाद इसका व्यास 3 फीट तक हो सकता है। बाकी फूलों की तरह इसमें से सुगंध की जगह सड़ी लाज जैसी दुर्गंध आती है। इस फूल को खोजने वाले व्यक्ति ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इतने बड़े आकार का फूल देखते ही लोग तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। पूर्ण रूप से खिलने के बाद इसका वजन 7 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 2 पर आता है कॉर्स फ्लावर। ये फूल 10 साल में एक बार खिलता है। जैसा कि बाकी फूलों के करीब जाने से बहुत ही अच्छी महक आती है, इसके पास जाने से मुर्दों की बदबू आती है। ये फ्लावर बहुत ही दुर्लभ है। ये अमेरिका की सिटी सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है और पूरी दुनिया में बहुत ही थोड़े पाए जाते हैं। लोग इन्हें देखने दूर दूर से सैन फ्रांसिस्को आते हैं। नंबर 1 पर आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 भागों में बंटे होते हैं और दोनों के मध्य में एक उभार होता है। वो दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है। अगर कोई कीड़ा इसे छू ले तो पत्ते दोनों भागों में
बंद हो जाते हैं और कीड़े को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। कीड़े को पूरा पचाने के बाद पत्ते दोनों भाग से फिर खुल जाते हैं और दूसरे शिकार का इंतजार करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।